और यहाँ पे मेरे साथ गोविंद जी हैं। कहाँ घर लगा तो भाई? परसा टाड़ के हैं ये रहने वाले, जो दूर दूर से यहाँ पे देख सकते हो, जो आके यहाँ पे मतलब नहा रहे, इंजॉय काफ़ी कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, यहाँ पे देख सकते हो चारों तरफ काफ़ी लोग। और दोस्तों, मेरा नाम मुकेश, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में मुकेश टेक व्लॉग में। और आज मैं जाने वाला हूँ बरवा घाट बोकारो, वहाँ का व्यू दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं फिलहाल अभी खड़ा हूँ यहाँ पे बरवा, यही रोड से आपको सीधा इधर से मुड़ना है। और यहाँ देख सकते हैं बरवा थाना चौक यहाँ पे है, इसी रोड से आपको सीधा जाना होगा। यही रास्ता आपको लेके जाएगा सीधा बरवा घाट डैम की तरफ। और यहाँ पे देख सकते हो, जो ये रास्ता देख सकते हो, ये आया हुआ आपको मोहदा के रूट से, यहाँ से भी आप आ सकते हो। और आपको इसी रोड से जाना है, जा रहे हैं इसी रूट से, ये रास्ता आपको सीधा पकड़ना है और सीधा चलते रहना आपको। चले हैं हरना चौक, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। आ गए ये हरना चौक, बस यही रास्ता था, आपको सीधा निकलना है, कहीं मुड़ना नहीं है। यहाँ पे सीधा रूट पे जाना है, यहाँ सीधा स्ट्रेट चलते रहना है। यहाँ पे ये रास्ता को छोड़ना नहीं, एकदम सीधा आपको लेके जाएगा। और ये रहा खानोडी का जो रेलवे ब्रिज है यहाँ पे, ये भी आपको मिलेगा रास्ता में, जो काफ़ी पुराना है। यहाँ पे ये पुल है, बस इसी रोड में चलते रहना है। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग आ गए भीम कनाली, और हम लोग यहाँ पहुँच गए खानोडी। यहाँ पे देख सकते हैं एक बस्ती है बड़ा सा, और सीधा चलते रहना है इस रोड। और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, देख सकते हो जमुनी नदी पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे धनबाद जिला सीमा ख़त्म हो गया, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका बोकारो ज़िला। बस ये पुल पहुँचे बोकारो ज़िला स्टार्ट, और यहाँ देख सकते हैं एक नदी है, जमुनिया नदी इसको बोलते हैं। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, उधर देख सकते हो जमुनिया नदी। इस रास्ते में आपको चलते रहना सीधा, और यहाँ पे देख सकते हो 7 किलोमीटर यहाँ बोकारो चंद्रपुरा, तरंगा यहाँ से आप इस गांव में जाने का रास्ता आपको मिल जाएगा। इधर से अगर जाना तरंगा गांव, तो यहाँ देख सकते हो आगे से रूट है तरंगा बस्ती जाने का, यहाँ से अंदर, और इसी रास्ता में आपको चलते रहना सीधा। यहाँ से थोड़ा सा घाटी पड़ेगा, यहाँ देख सकते हो थोड़ा सा घाटी रास्ता है, देख सकते हो ये रहा टी मोड़। और अगर आप आते हो बोकारो साइड से, तो ये रास्ता आपको आना पड़ेगा, और यहाँ से हम लोग टर्न होंगे टी मोड़ से सीधा चंद्रपुरा के रूट में, और यही रूट में आपको जाना है सीधा। यहाँ से भी आपको सीधा जाना है, कहीं मुड़ना नहीं है, यहाँ से चलते जाना है, चलते जाना है सीधा स्ट्रेट। और फ्रेंड्स, हम लोग चंद्रपुरा पहुँचने वाले हैं, और आपको अगर चंद्रपुरा जाना है तो आपको इस रूट में जाना पड़ेगा इधर से, ठीक है। फिलहाल अब हम लोग जा रहे हैं स्ट्रेट, स्ट्रेट हम लोग जाना है, तभी हम लोग पहुंच पाएंगे बरवा घाट। आपको इससे एकदम सीधा चलते रहना, पहुंच गए हम लोग फिलहाल चंद्रपुरा, ठीक है। यहाँ से आपको एक रूट जाएगा, इधर आपको जाना होगा खुसरो, अगर जाना है बेरमो खुसरो तो इस रूट में आपको पकड़ना पड़ेगा। बट हम लोग इस रूट में नहीं जाना है चंद्रपुरा से, आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट रोड देख रहे हो, इसी रोड में हम लोग को सीधा चलते जाना है, कहीं मुड़ना नहीं है, बस स्ट्रेट जाना है यहाँ से इसी रूट में। बस हम लोग पहुँचने वाले ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से 1 किलोमीटर लगभग यहाँ से आपको पड़ेगा। बस आगे थोड़ा सा रास्ता ख़राब है,
और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो एक ब्रिज मिलेगा, चंद्रपुरा ब्रिज यहाँ पे देख सकते हो। इस ब्रिज को भी आपको पार करना होगा, बस यहाँ से स्ट्रेट चलते जाना। थोड़ा सा यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, देख सकते हो यहाँ पे डस्टेड एरिया है यहाँ। और यहाँ से स्ट्रेट में चलूँगा, सीधा जाना स्ट्रेट कैमुंडा। यहाँ पे दो रास्ता है, इस रूट में आपको गलती से नहीं चल जाना, सीधा जाना घरिया दोस्त में जाओगे दूसरा जगह पहुँच जाओगे। यही रास्ता सबको चलते जाना है और हम लोग पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम लोग पहुँच जाएंगे। और रास्ता देख सकते हो काफ़ी डेंजरस है यहाँ पे, कार और आता है यहाँ पे, कार का भी रास्ता मिल जाएगा, बाकी हाईवे चलता ही है। और देख सकते हैं ये रहा चंद्रपुरा प्लांट, तो देख सकते हैं काफ़ी बिग है, बड़ा है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं इसी रूट में हमको यहाँ से जाना है, जो रास्ता यहाँ बना हुआ है मैं इसी से जाऊँगा। और काफ़ी बेहतरीन नज़ारा इधर देख सकते हो जो प्लांट का है, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा देखने में। साथ ही यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, चारों तरफ देख सकते हो काफ़ी हरियाली है। तो रास्ता से आप ऊपर चढ़िएगा तो यहाँ से डाउन नहीं जाना, ऊपर स्ट्रेट चढ़ जाना आपको, ठीक है। और इसी रास्ता से आपको चलते जाना है यहाँ पे, यही रास्ता आपको लेके जाएगा बरवा घाट। अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही डिस्टेंस बचा हुआ है, हम लोग मंजिल पहुँचने वाले हैं थोड़े ही देर में। इस रूट में चलते रहना आपको, चलते जाना है। यहाँ से आपको डाउन रास्ता में जाना है सीधा, ये रास्ता आपको डाउन जाना है, यहाँ सीधा स्ट्रेट जाना है, यही आपको लेके जाएगा बरवा घाट। थोड़ा सा रास्ता यहाँ पे ख़राब है, गाड़ी को थोड़ा धीरे ही चला के लाइएगा यहाँ पे, काफ़ी फिसलन है यहाँ पे। सीधा चलते जाना है, मंदिर है छोटा सा, बस हम लोग पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बाइक लगा हुआ है, तो बाइक को खड़ा करेंगे हम लोग, यहाँ पर पार्किंग स्पेस है। हम लोग यहाँ पहुँच गए, देख सकते काफ़ी बेहतरीन व्यू है यहाँ का। और ये रहा बरवा घाट जहाँ हम लोग आना था, फाइनली हम लोग पहुँच गए यहाँ पे। और देख सकते हो ये जो है काफ़ी बिग है यहाँ पे, काफ़ी लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, काफ़ी यहाँ भीड़ बना हुआ देख सकते हो चारों तरफ, और काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ का। और यहाँ पे देख सकते हो फाइनली बहुत सारा यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी लगा हुआ है। और ये पावर प्लांट यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से भी दिखता है पावर प्लांट, ज़्यादा दूर में नहीं, यहाँ पे देख सकते हो पावर प्लांट यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी बेहतरीन यहाँ का नज़ारा है, देख सकते हो काफ़ी बड़ा डैम है ये, देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी पुराना लग रहा है मुझे देखने में, काफ़ी बड़ा। और यहाँ पे देख सकते हो आनंद लेते हुए यहाँ पे सब नहा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी भीड़ है, यहाँ पे नहा रहे सब काफ़ी दूर दूर तक। काफ़ी बड़ा है और देख सकते हो यहाँ ऊपर से ये रास्ता आपका रहेगा आने का नीचे, और यहीं से आप नीचे आ सकते हो, ये रूट रहा नीचे जाने का, मैं फिलहाल नीचे जा रहा हूँ।
आ जाओ, नीचे नहीं आएगा। ये रास्ता रहा नीचे जाने का। और देख सकते हो नीचे भी पानी पूरी बेचा जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो पानी पूरी, अगर खाना तो यहाँ पे नीचे उतर के खा सकते हो। ये बेच रहे हैं यहाँ पे कड़ी धूप में। और ये रहा नीचे का नज़ारा। अब फिलहाल तो मैं शूज पहना हुआ हूँ, अब मुझे इसी पानी में डूब के ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे काफ़ी फिसलन है और इसी पानी में डूब के जाना होगा, कोई उपाय नहीं है यहाँ पे। देख सकते हो काफ़ी यहाँ पे फिसलन है। पानी देख सकते हो काफ़ी साफ है यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अच्छे से आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन है। और देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी स्लिप कर रहा है। मैं धीरे धीरे फिर भी यहाँ पे जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा संभल के आपको जाना होगा यहाँ पे। फाइनली देख सकते हो, और यहाँ पे कुछ लोग मिल गए मुझे। और देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन व्यू यहाँ का। फाइनली मैं यहाँ पे फिसलन को पार कर लिया और यहाँ पे जा रहा हूँ थोड़ा सा आगे। और देख सकते हो यहाँ पे जो है नज़ारा काफ़ी खूबसूरत लग रहा। नीचे मैं आया हूँ और देख सकते हो जो यहाँ का व्यू है काफ़ी बेहतरीन है यहाँ पे। और काफ़ी इंजॉय करते हुए लोग यहाँ पे देख सकते हो चारों तरफ यहाँ जो है। काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है, काफ़ी लाजवाब। देख सकते हो सब यहाँ पे गुलाटी मार मार के नहा रहे हैं यहाँ पे। मेरे साथ मेरा दोस्त आया है, वहाँ बैठा हुआ है। और देख सकते हो काफ़ी मतलब जो यहाँ का व्यू है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी फिसलन है, संभाल के ही चलना होगा आपको यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे साथ गोविंद जी हैं। कहाँ घर लगा कर भाई? परसा टाड़ के हैं ये रहने वाले, जो दूर दूर से यहाँ पे देख सकते हो जो आके यहाँ पे मतलब नहा रहे हैं, इंजॉय काफ़ी कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, यहाँ पे देख सकते हो चारों तरफ काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। पानी में चलना है तो थोड़ा संभल संभल के चलना होगा, यहाँ पे काफ़ी फिसलन है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। फ्रेंड्स मैं बता दूं यहाँ पे आप आओगे बरबा घाट डैम तो यहाँ पे कोई चार्जेबल नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता, बस आप नहाइए एंजॉय करिए और जाइए। आप वाटर बोर्ड जाते होंगे या वाटर पार्क जाते होंगे तो आपको चार्ज देना पड़ता होगा, बट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये काफ़ी अच्छा जगह है। अब मैं यहाँ पे पूरा इंजॉय किया, आपको वीडियो में पूरा कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा तो आपको सारा एक एक व्यू आपको वीडियो में देखने को मिलेगा।
और एक मेरे सब्सक्राइबर मिल गए हैं जो आए हुए हैं लयाबाद 5 नंबर से, सोहेल मंसूरी जी, ये भी काफ़ी इन्जॉय करते हुए यहाँ पे नज़र आए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे इन्जॉय कर रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे। और देख सकते हैं लोग यहाँ से स्लाइडर कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते स्लाइडर से ऊपर बैठे हुए हैं सब, अचानक से यहाँ पे स्लाइड करते हैं, वहाँ देख सकते हैं वहाँ पर भी स्लाइड कर रहे हैं, वहाँ देखिए कूद गए वहाँ पे। काफ़ी बेहतरीन जो है यहाँ पे स्लाइडिंग, वाटरफॉल से भी ज़्यादा मज़ेदार जगह है ये, नेचुरल पानी है यहाँ पे। और देख सकते हैं ये डैम, यहाँ भी देख सकते हो पानी का प्रेशर काफ़ी तेज है, काफ़ी लोग एंजॉय करते हुए यहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे एंजॉय करते हुए यहाँ पे देख सकते हो कैसे कूद रहे हैं यहाँ पे पानी में। और देख सकते हो वहाँ ऊपर में भी काफ़ी लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करते हुए ऊपर। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको पूरा व्यू दिखाया, काफ़ी खूबसूरत जगह है ये, और मुझे तो फिलहाल बहुत मज़ा यहाँ पे आया। और आपको अगर आना है यहाँ तो मैंने रूट पूरा बताया वीडियो में, आप उस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे आ सकते हैं बरवा घाट, जो काफ़ी बिग है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सुंदर। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।